लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले में जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इसी सबके बीच प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे और शिक्षक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर उसका घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। बता दें कि छात्र बेसिक शिक्षा मंत्री से लगातार मिलने की मांग कर रहे थे, जिस पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मंत्री संदीप सिंह ने 5 सदस्यीय डेलीगेशन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री ने डेलीगेशन को जांच का आश्वासन दिया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से 20 दिन का समय जांच के लिए मांगा है। मंत्री के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। और ये लखनऊ से खबर आप देख रहे हैं, विशेष कम्युनिटी के खिलाफ आया है, जो पिछड़े और दलितों के खिलाफ आया है, तो इस पे सरकार भी कोई निर्णय लेने में भी हिचकिचा रही है। इसमें न्यायिक विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और विभाग के अधिकारी हैं, सारे चीजों से बातचीत हो रही है। अभी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी की और तमाम आला अधिकारियों और डबल एजी के साथ होनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी पक्ष रखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 6800 सीट लिस्ट निकाली गई और 6800 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नियुक्ति होनी चाहिए। लखनऊ से खबर आप देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने जांच के लिए आश्वासन दे दिया है और 20 दिनों का समय मांगा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने की शिक्षा मंत्री से यहां पर मुलाकात की है और उसके बाद आश्वासन उनको मिला है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। जो महिलाएं थी, हम 3 भाई थे और हम लोगों की जो मांग थी, उस मांग पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी वो जताई कि नहीं, हम इस मांग को लेकर के, चूंकि एक ऑर्डर, ये बड़ा ऑर्डर है और एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ आया है, जो पिछड़े और दलितों के खिलाफ आया है, तो इस पे सरकार भी कोई निर्णय लेने में भी हिचकिचा रही है। इसमें न्यायिक विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और विभाग के अधिकारी हैं, सारे चीजों से बातचीत हो रही है। अभी जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी की और तमाम आला अधिकारियों और डबल एजी के साथ होनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी पक्ष रखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 6800 सीट लिस्ट निकाली गई और 6800 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नियुक्ति होनी चाहिए। और अब बड़ी खबर आपको बता दें,